भी कैसे हो सकता है? मुझे एक तो शबाना जी की बात पर कमेंट करना है, उन्होंने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही, मुझे मैं उनसे पूरी तरह शायद सहमत नहीं हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेशक चर्चा इस पे होनी चाहिए, लेकिन इस बात से इस हद तक सहमत हूँ कि हाँ बार बार इसको छड़ी निकाल करके आप मुसलमान को पीटिए ना कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। सच्चाई तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में कभी लागू होगा नहीं। कोई हिंदू अपनी जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी से उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं कोई इसको देगा नहीं। दूसरा, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना चाहते हैं वाकई में, तो पहले इसके कुछ कंडीशंस हैं। नंबर एक, आप मुसलमान कम्युनिटी, एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी को एक सिक्योरिटी दीजिए, गुजरात जैसे हादसे ना होने दीजिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन और एक और बड़ी बात, जब भी सांप्रदायिकता की बात होती है दंगों की, सबसे बड़ा शिकार उसमें औरत ही होती है। जब औरतों के हक में बात कर रही है, गुजरात दंगों के बारे में भी बात उन्होंने कही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपसे इत्तेफाक नहीं रख रही थी वो। राणा के बहाने ये बीजेपी पर अटैक करने का ये कार्यक्रम बनाया क्या आपने? मेरा कहना है कि हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जैसा शोभना जी कहती है, मैं इनसे एग्री करती हूँ कि बीजेपी को भी और आप सबको मिलकर के एक बनाना चाहिए। ब्लूप्रिंट कैसा होगा ये ठीक है, नहीं एक मिनट, सरकार में एक मिनट ड्राफ्ट भी नहीं बना, एक मिनट रही, बड़ा इशू रहा आर्टिकल 370 अयोध्या और यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन ड्राफ्ट नहीं बना। शबाना जी नहीं देंगे, आप एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। मेरा ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बाद में बना लेना, लेकिन अभी जो है अपने अपने संप्रदाय के वहाँ तो कोड बना लो, जो मानवीय कोड हो वहाँ का कोड जो बना हुआ है ऑलरेडी, जो हमारी बहनें कह रही हैं शरीयत में है, वो भी तो ठीक करो। हम कुछ और रिएक्शन लेना चाहेंगे, बहुत से लोग हैं आतुर हैं बोलने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए बताएं आप। हम यहाँ पे सिर्फ एक मिनट, हम यहाँ इमराना के मसले पे बात करने आए हैं। हम यहाँ कोई कोर्ट, कोई लॉ, कानून बनाने नहीं आए। इमराना की बात जिस जिसको करनी हो वो बराए मेहरबानी मुंह खोले, जिसको इमराना की बात नहीं करनी वो मुंह ना खोले। जहाँ तक फतवे का सवाल उठता है, जिन साहिबा ने भी ये कहा है कि हम मुफ्तियों से एक राय हैं, हम राय हैं, उन मुफ्तियों को गुजरात भेजो, उन तमाम लड़कियों का, उन तमाम हिंदुओं से करवाओ जिन्होंने उनका मास स्केल पे रेप किया था। बिल्कुल, अब मुझे आप जो फतवे के हक में बोल रही थी और उलेमा की हिमायत कर रही थी, आप नहीं कर रहे थे, निकाह मुतरबा कर रही थी। निकाह बहुत बड़ी इबादत नहीं, निकाह बहुत बड़ी इबादत है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाए। निकाह बहुत बड़ी इबादत है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाए। ये तो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है इस्लाम का। नहीं, निकाह तो बहुत बड़ी इबादत है। शाजिया, मेरा इनसे सवाल है जी। मृदुला जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आप कहती हैं कि आज आप अचानक आपकी काफी सहानुभूति उमड़ आई है, हमारी मुस्लिम बहन, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, अचानक आपकी बड़ी सहानुभूति, क्या आप गुजरात में जो सामूहिक रेप्स हुए हैं उसको किस तरह आप जस्टिफाई करती हैं? क्या आप जस्टिफाई करती हैं? उन्हें क्या सजा देनी चाहिए? जो सबको सजा देनी चाहिए, सजा यदि कोर्ट, जब सब जगह सजा के लिए कोर्ट में केसेज है सब जगह। तब अडवाणी जी का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है? पॉलिटिकल तब अडवाणी जी का, और जहां तक और नहीं, इमराना आपको हर मोहल्ले, हर गली, हर सड़क पे मिलेगी। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सीरियसनेस दैट दिस लेडी हैज स्पोकन अप फ्रॉम द बैकग्राउंड वेयर शी इज। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर दैट शी हैज स्टूड अप एंड शी हैज स्पोकन अप। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस ओनली एक्सक्लूसिवली इमराना, देर आर मेनी इमराना बिहाइंड हर हु हैव टू बी गिवन जस्टिस। और जहां तक उलमाओं की बात है, नहीं उलमाओं की जहां तक बात है, वहां तक मैं ये कहना चाहूंगी कि हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, ये जो उलमा है इनका हमेशा से जो हुक्मरान रहे, रूलर्स रहे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट पेश करने के लिए यूज किया गया है। और मैं ये कहूंगी ये शरा नहीं है, ये शरारत हो रही है, शरारत हो रही है। गिरिजा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। इमराना क्या कहना चाहती है? इमराना कह रही थी मुझे देश के कानून में यकीन है और मैं शरीयत में भी यकीन करना चाहती हूँ। फिर इस सूरत हाल में कैसे उसको इंसाफ मिलेगा?
इमराना ने पहले तो कहा कि मैं अपने पति के साथ ही रहूं। शबाना जी आपसे पूछ रही हूं, शबाना जी मैं आपसे पूछ रही हूं, उसको बाद में बदल के कहती है कि नहीं मैं शरीयत पे मुझे विश्वास है। जो इमराना चाहेंगी और जो उसकी मर्जी है उसी से उसको इंसाफ मिलेगा और कोई उसके लिए ये बात तय नहीं। लेकिन इमराना कह रही है अदालत भी गई, देश के कानून ने भी यकीन रखती है और शरीयत की बात भी मानना चाहती है। लेकिन इमराना को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि आज इतना सामाजिक प्रेशर हुआ है जिसकी वजह से वो उलेमा जो अपनी बात एक कह देते थे और फिर उस पर कभी पलट के नहीं देखते थे, वो अब विथड्रॉ कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट से, क्योंकि उनको पता चला है कि औरतें किस तरह से आगे उठी हैं और उनको चैलेंज कर रही हैं। और पहली बार अब वो कह रहे हैं जी हमने तो फतवा दिया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ अपनी राय जाहिर की थी, ये हमारे मसले में है ही नहीं, ये लोकल कोर्ट। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि इतना सारा प्रेशर हुआ है खासतौर से महिलाओं से और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से, जो कहती हैं हम इनके हक को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमको अपने पावर को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, हमको इमराना जैसी, चाहे वो इमराना हो, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे वो आइरीन हो, ऐसी सब औरतों की आवाज को बुलंद करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, इस आवाज को बुलंद करना है। लेकिन क्या दिल्ली में रहकर इस तरह की चर्चा कर हम ये अचीव कर पाएंगे या क्या ये संभव है इस तरह से? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिल्ली में रहकर क्या कर पाएंगे। एक मिनट, यहीं पर हम प्रतिनिधित्व कर पाएंगे औरतों का, हर मजहब हर शरा से हटकर। दूसरी बात यह है कि जब ये एक इमराना का एक मिसाल है कि जो हमें रास्ता दिखाती है किस तरह हम सबको इकट्ठा होना है और किस तरह एकजुट होकर एक राय बनाकर बराबरी के हक के लिए